बिल्कुल भी नहीं है इसमें। हाँ देखिए आगे आगे। ओके सो इसका पहले एक मैंने लास्ट क्लास में वैसे मैंने एक दिया था थोड़ा सा एक ओवरव्यू, लेकिन आज इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं ठीक है। एक दस दस ये प्रोजेक्ट प्राइमावेरा जो है इज द नंबर वन टूल ऑफ टू मैनेज द स्केड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके आपके सामने ऊपर एक मेन्यू बार नजर आ रहा है, देन शॉर्टकट बार्स, देन दिस इज द लाइक मेन बॉडी, दिस इज अ गैंट चार्ट, दिस बिलो इज अ स्टेटस बॉडी, एट द अबव इज फोल्डर मैनेजमेंट, देन वी हैव अ प्रोजेक्ट सॉरी प्रोग्राम मैनेजमेंट, एंड देन वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवर हेयर। सेम एज ऑन द राइट साइड आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे बटन नज़र आ रहे हैं, ये कमांड बार बटन हैं। प्राइमावेरा को दो तीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, एक बकाया तौर पर कस्टम तो करते ही हैं, एक उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे उसको इस्तेमाल किया जाता है, फिर एक विजर्ड के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है, और एक एक्सपोर्ट मोड पे इस्तेमाल किया जाता है। तो हम समझेंगे कि इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप काम करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी काम करना है तो आप कैसे कर सकते हैं ठीक है। अब इसकी जो हर प्राइमावेरा की एक जब भी आप जाएंगे कहीं पर तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट सेट होता है। प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट सेट करने के लिए आपको वहाँ की कंट्री के हिसाब से चीज़ों को सेट करना है। तो हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे, आप तमाम लोग एडिट में जाइए और यूज़र प्रेफरेंसेस में जाइए ठीक है। यूज़र प्रेफरेंसेस में जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर टाइम एंड यूनिट्स आ रहा हो। टाइम एंड यूनिट्स मतलब ये कि आप प्रोजेक्ट को क्या आवरली कंट्रोल करना चाहते हैं और डे वाइज कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी पर डे पर आवर। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें पर डे पर वीक हो सकता है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि पर मंथ पर ईयर हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि हमें कैसे दिखाना है प्रोजेक्ट को ठीक है। अगेन हमारे पास यहाँ पर यूनिट लेबल आ रहा है, इस यूनिट लेबल का मतलब ये कि एच फॉर आवर डी फॉर डे। तो अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये हमें ख़त्म कर देगा यहाँ पर ठीक है। अच्छा अब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको पता ही चलेगा कि ये आवर है कि मिनट्स हैं ठीक है, इसलिए हम इसको चेकबॉक्स को ऑन रख लें, अगर नहीं है ऑन तो ऑन कर लीजिए ठीक है। उसके बाद डेट्स आ रही हैं, डेट्स का फॉर्मेट क्या रखना है, मैंने ये डे मंथ ईयर रखा है, हमारे यहाँ डे मंथ ईयर होता है, बाद जगहों पर मंथ डे ईयर होता है यूरोप में। और अगर आप चार डिजिट पर क्लिक कर देंगे तो चार डिजिट नीचे आ जाएंगे, देखिए ये आ रहा है नीचे, तो हमें चार डिजिट नहीं चाहिए, हम जो है वो खाली छोटे से छोटा मतलब डेट्स का खाना रखेंगे। और यहाँ पर अगर आप डेट माइनस डैश डॉट जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं, तो डॉट डेट्स ओके, सेकंड वाले को क्लिक कर दीजिए। हमें 12 आवर्स पे नहीं करना, 24 आवर्स पे नहीं करना, डू नॉट शो टाइम। अगर प्रोजेक्ट ऐसा है कि अगर हम कहते हैं कि नहीं हमारा 24 आवर्स प्रोजेक्ट चल रहा है, तो याद नीचे देखें 24 आवर्स आ गए, प्रोजेक्ट अगर 12 घंटे का है तो हम 12 घंटे शो कराना चाहते हैं, इट्स जस्ट अ शोइंग ऑफ टाइम ठीक है। वो बाद में सेटिंग हम अलग करेंगे कि 12 घंटे का प्रोजेक्ट है, 24 घंटे का प्रोजेक्ट है या 8 घंटे का प्रोजेक्ट है ठीक है, ये बाद में हम सेटिंग करेंगे। डेली वर्किंग शो टाइम ठीक है, तो हमें नहीं शो कराना क्योंकि ये बहुत जगह घेरेगा, आपका कॉलम बढ़ जाएगा इसमें ठीक है। तो अगर आप शो कराना चाहते हैं तो आप करा लें, मुझे कोई शौक मतलब नहीं है, मसला नहीं है। 12 घंटे कराना चाहते हैं 12 घंटे करा लें आप ठीक है, मुझे क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबको पता होता है 12 घंटे का प्रोजेक्ट 24 घंटे का प्रोजेक्ट, इसलिए हम शेड्यूल में और खाम खाई में जगह घेरेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी बनानी होगी। आगे करेंसी में आप आ रहे हैं, आपके पास पाक रुपीज नहीं आ रहा होगा ठीक है, आप इसको क्लिक करें ये इस बॉक्स को इसको, तब भी आपको यहाँ पर पाक रुपीज नहीं मिलेगा। मिला ठीक है, नहीं मिला आपको तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सेटिंग नहीं हुई भी पाक रुपीज की। हम इसको कैसे करेंगे सेटिंग ये भी हम देखते हैं। असिस्टेंस के ऊपर आप जाएं, अंदर खोलो असिस्टेंस के आप जाएंगे तो देखिए यूज विजर्ड और एक्टिविटी लिखा हुआ है ठीक है। अब ये जो असिस्टेंस है क्या है, ये वही है कि आपको प्राइमावेरा को जो है वो विजर्ड लेवल के ऊपर रखना है या आपको नहीं रखना। अगर आप इसको चेकबॉक्स हटा देंगे तो ये एक्सपर्ट मोड पर चला जाएगा, तो बाद जगह अभी आपको अभी यूज़ टू नहीं है आप ठीक है, जब यूज़ टू हो जाए तो इसको अनचेक कर दें, आपकी मर्जी है ठीक है। डायरेक्ट भी मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा कि इसको अनचेक ना भी करें तो आप कर सकते हैं ठीक है। एप्लीकेशन को
यहाँ पे देखें एप्लीकेशन स्टेटस में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही है, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट शूज, रिपोर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये क्या है कि स्टार्टअप विंडो, जैसे ही प्राइमावेरा को ओपन करें आप, तो ओपन करते हुए आपको क्या नज़र आना चाहिए, एक्टिविटीज नज़र आए, प्रोजेक्ट नज़र आए, रिपोर्ट्स नज़र आए, क्या नज़र आए? ठीक है, तो मुझे एक्टिविटीज नज़र आए मिसाल के तौर पर, और अगर मैं इसको शो वेलकम डायलॉग पर को क्लिक कर दूंगा तो जब प्राइमावेरा खोलेंगे तो आपको वेलकम का एक मैसेज देगा, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, शो आईडी कोड, आईडी कोड से मुराद ये कि अभी हम जब काम करेंगे तो हमारे WBS और एक्टिविटीज जब हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट होंगे जो हमने कोड ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे। ठीक है ना, वो कोड ऑफ अकाउंट्स प्राइमावेरा खुद बनाता है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमें चाहिए और हमें इसका डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, अगर कभी कभार ये गायब हो जाए दोनों तो यहाँ जो डिस्क्रिप्शन आ रहा होता है वो भी नज़र नहीं आएगा और वो भी नज़र नहीं आएगा शो कोड भी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें रखना ज़रूरी है, इसको रखें। ठीक है, पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड जो दे दिया ओके, लेकिन इसको चेंज करेंगे तो क्रैश होने के चांसेस होंगे क्योंकि लाइसेंस नंबर पे हमें जो पासवर्ड दिया गया था ये वही पासवर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसोर्स एनालिसिस कैलकुलेशन और स्टार्टअप फिल्टर्स में कोई चेंजेस नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसको रहने दें, ये आप क्लोज कर दें इसको, ये आपकी। अच्छा, प्राइमावेरा में एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि प्राइमावेरा में कोई भी चीज़ सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो सेव, हर चीज़ ऑटो सेव हो रही है। ठीक है, खुद ब खुद ही। अब आप आएंगे एडमिन पे, एडमिन पे क्लिक करके करेंसीज पे क्लिक करें और करेंसीज पे क्लिक करके आप नीचे लेकर आए कर्सर को, तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक ऐड कराई है, वो ऐड कराएं आप अपने यहाँ पे ऐसे ही, और करेंसी को डबल क्लिक करके आप लिखें PKR और उसके बराबर में जो लिखा हुआ है न्यू करेंसी उसको डबल क्लिक रख के लिखें पाक रुपी, और यहाँ डालें RS जैसे मैंने ऊपर डाला हुआ है RS, और जो एक्सचेंज रेट है वो आगे एक्सचेंज रेट भी लिख दें। जिसका जो एक्सचेंज रेट डॉलर्स, जिसका जो भी पाकिस्तान, अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर में नहीं है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिख लें, कैनेडियन डॉलर है यहाँ पे, ठीक है, मुख्तलिफ डॉलर्स यहाँ पर होंगे, US डॉलर तो होता ही है, ठीक है, अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर नहीं है तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर का यहाँ पर बना सकते हैं, दोनों इतफाक से आप लोग ऑस्ट्रेलिया से, तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर बना लें। ठीक है, ये मैंने पाक रुपी का डाल दिया। ठीक है, ऐड हो गया सबके पास, आगे जी भाई ऑनलाइन वालों, जी जी आ गया मेरे पास जी, कर रहे हैं। ठीक है, इसको जब आप ऐड करा दें क्लोज कर लें, और अब आप दोबारा एडिट में यूजर प्रेफरेंसेस में जाइए और करेंसी में जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे नीचे पाक रुपीज आ रहा होगा, इसको डबल क्लिक करके क्लोज कर लें। ठीक है, हो गया ये सबका, हो गया ओके। एडमिन प्रेफरेंसेस में आप देखें, एडमिन में आइए और एडमिन प्रेफरेंसेस में आ जाइए, जर्नल पे आप क्लिक करें और जर्नल में क्लिक करके अब प्राइमावेरा अब आपको अपनी कस्टमाइजेशन दे रहा है बहुत सारी, कोड को जब आप लिखते हैं कोई भी कोड तो उसको सेपरेट करने के लिए आप डॉट इस्तेमाल करना चाहें, स्लैश, डैश, हाइफन, जो भी, अंडरस्कोर, यू कैन यूज इट, डॉट इज क्वाइट एनफ, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे मंडे को संडे को मंडे में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, अब ये ड्यूरेशन जो है ना,
आपके पास 5 आ रही होगी। अच्छा, क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम 3 दिन की 4 दिन की एक्टिविटी डाल दें अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट साइज और प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। लेकिन हमारे पर डेली डे क्यों तो काम हो रहे हैं ना कुछ वन डे के, तो यहाँ पर जब अगर आप 5 डे लिखा हुआ है, जब भी आप एक्टिविटी ऐड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 5 आ जाएगा, फिर आपको कम करना पड़ेगा। और एक्टिविटी 1 की होती है, तो मैंने इसलिए यहाँ 1 डे डाल दिया। लेकिन आमतौर पर ड्यूरेशन एक्टिविटीज में 1 डे डाला जाता है, बाय डिफॉल्ट से 5 डे ही दिया हुआ है। अच्छा, इनेबल पासवर्ड पॉलिसी अगर आप क्लिक कर देंगे तो क्या पासवर्ड जो अभी आपका तो हमने बना के दे दिया है, लेकिन अगर आपने चेंज किया तो कॉम्प्लेक्स लेवल पर फिर वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। फिलहाल तो अभी ज़रूरत नहीं है तो कोई चेंज करने की, फिलहाल अभी आपको रहने दें। डेटा लिमिट्स, अब यहाँ पर आ जाइए डेटा लिमिट्स। पहला आ रहा है जनाब के मुख्तलिफ ट्रीज के लेवल्स नहीं हैं, प्रोजेक्ट के डिफरेंट लेवल्स का प्रोजेक्ट होता है। लेवल से मुराद ये कि आपने उसको कितना ड्रॉप डाउन लेवल पर, चाइल्ड लेवल पर चीज़ों को खोला हुआ है। देखिए, मैनेजमेंट का प्रोसीजर है यही कि आप उसको जितना माइन्यूट लेवल पर जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे उतना बेहतर तौर पर आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी बड़े हिस्से की बात करते हैं कि आप उसको करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके बहुत सारे चाइल्ड लेवल पर पार्ट हों जो आपको करवाने हों। तो चाइल्ड लेवल तक कहाँ तक जाना है, कितने लेवल्स हैं, तो यहाँ पर अब उन्होंने लिखे हुए मुख्तलिफ लेवल 20 20 20, यहाँ पढ़ते जाइए। EPS एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, WBS मैक्सिमम लेवल 20 की बहुत है। 20 लेवल का प्रोजेक्ट जो है ना वो कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीन प्रोजेक्ट होगा, इंजीनियर्स भी नहीं जाते। इंजीनियर्स भी बहुत, यानी कि चीफ इंजीनियर जब डिज़ाइन करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि 9-11 लेवल से ऊपर ना जाए। EPS एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसलिए हमारी भी कोशिश यहाँ 20 की मैक्सिमम लिमिट है, आप 100 डाल दें, उसमें क्या है, 20 पे रोक देगा आपको जाके ये कहेगा भाई 20 से आगे, सॉरी थोड़ा सा बताएंगे डेटा लिमिट्स क्या होता है, एक रिपीट कर सकते हैं? डेटा लिमिट्स ये होता है, ये अभी आगे आपको समझ में आएगा कि प्रोजेक्ट के लेवल्स होते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रोजेक्ट के लेवल से क्या मुराद है कि आपने प्रोजेक्ट के कितने चाइल्ड बनाए हुए हैं। ओके, ठीक है, लेट्स से ये है। अब ये देखें, ये एक पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, और उसके अंदर ये तीसरा लेवल है। अब ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है, ठीक है। तो आपको ऐसे घुसते चले जाएंगे आप, ठीक है। अब आपने कितने लेवल पर जाना है ये आप पर डिपेंड करेगा। तो लेवल्स की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या समझते हैं कि आपको कितने लेवल पर जाके रखनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, नहीं प्लानिंग के वक्त, बाद में कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, लेकिन प्लानिंग तो एक टाइम ही होती है ना, बार बार थोड़ी होगी। उसी वक्त तो आप ये प्लान शेयर करोगे ना मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट अप्रूव कर लेंगे, फिर जो किया है वो करेंगे। अगर चेंज करेंगे तो फिर तो प्रोजेक्ट आ जाएगा प्रोजेक्ट, यही तो मसला है। प्रोजेक्ट का जो स्कोप है अगर वो प्री डिफाइंड नहीं है तो फिर तो प्रोजेक्ट ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि विश लिस्ट तो ख़त्म ही नहीं होगी क्लाइंट की, ठीक है। तो इसलिए प्रोजेक्ट का स्कोप को पहले फाइनलाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। वो हम PMP में बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, उसको सब समझा रहे हैं क्या क्या है, लेकिन स्कोप इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोजेक्ट स्कोप का डॉक्यूमेंट जब फाइनल हो जाता है तभी हम आगे बात करते हैं भाई ये करेंगे। अब प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, 20 लेवल भी कोई बड़ी बात नहीं है, चला जाएगा 20 लेवल तक, लेकिन जितने लेवल तक आप जाएंगे तो उतना ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा।
ठीक है, मिसाल के तौर पर जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की बात करें तो एनर्जी प्लांट्स, एनर्जी एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करें, वैसे सिविल का प्रोजेक्ट भी कॉम्प्लेक्स ही होता है, लेकिन उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट है वो एनर्जी के फिजिकल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसपे बाकायदा तौर पर ग्रिड स्टेशंस खड़े हो रहे हैं और फिर आगे कहानी चल रही है मुख्तलिफ चीज़ों की, उसकी कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी स्टोर तो की नहीं आ सकती, रन टाइम पे आपको देनी होती है। ऐसे ही आपके पास जो है वो पेट्रोलियम के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जिसमें कई किस्म के काम हो रहे हैं, यानी एक काम सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है, हो सकता है कि वो सिविल साइड से रिलेटेड है, फिर मैकेनिकल के बहुत डिफरेंट काम उसमें हो रहे हैं, ठीक है ना, फिर उसके जो जो उसकी वेल की जो फिटिंग्स हैं उसकी एक अलग कंपनी है, कंपनी अलग है काम कर रही है आके, ठीक है ना, फिर वो उस कुछ जो उसको मतलब एक्टिवेट करते हैं, जो वेल एक्टिवेट हो जाता है जब वो, उसको एक्टिवेट करने के लिए अलग लोग हैं, तुमने पेट्रोल आना शुरू हो गया ना उसमें, अब कौन सा पेट्रोल आ रहा है उसमें, वो रिफाइंड होके आ रहा है या वो रॉ पेट्रोल है, तो रॉ का तो मसला नहीं है, रॉ वेल की अलग कहानी है, रिफाइंड पेट्रोल होने के बाद रिफाइनरी में गया, रिफाइन होने के बाद आया अलग वेल में, उसकी अलग कहानी है, ठीक है, फिर वो मूव कैसे करेगा, तो उसके अलग इंजीनियर्स हैं जो पेट्रोल को पाइपलाइंस में मूव कराते, उसकी सेंसिटिविटी दायरे बात बहुत हाई है, ठीक है ना, और वो पेट्रोल जब मूव करेगा उस पाइप के अंदर ज़रा सा शार्प भी हो गया तो आग लग जाएगी, और कैसे आग लगी है मुख्तलिफ, ये पेंट की कंपनियों में आग कैसे लगती है, ऐसे लगती है ना कि उनके जो वो डाल रहे होते हैं, सिर्फ इस वजह से आग लग गई एक जगह कि जहाँ वो डाल रहे थे जिस जिसमें जो मिक्सिंग ऑफ पेंट हो रहा था, तो वहाँ पे शार्प एजेस थे उस वेसल के, ठीक है ना, और वो शार्प एजेस से जब वो फिनॉक्थिलीन और मुख्तलिफ चीज़ें गुजरी तो वो आग लगा दी, उससे स्पार्क हो गया, आग भड़क गई बस, फिर तो बचा कोई नहीं बचा उसके अंदर। सो आपके पास हर अब ऐसा कोई प्रोजेक्ट होगा जिसमें मल्टीपल किस्म की इंजीनियरिंग है, मल्टीपल किस्म की एक्सपर्टीज है, मल्टीपल किस्म के लोग हैं, तो वो तो फिर 20 लेवल भी कुछ नहीं है, फिर तो 200 200 300 300 लेवल का प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि हर लेवल एक प्रोजेक्ट होगा उसमें। जैसे लास्ट हम जब शहर डिज़ाइन करते थे तो शहर डिज़ाइन करने में ये फिर एक प्रोजेक्ट नहीं है, वो उसको हम प्रोजेक्ट नहीं कहते, फिर हम उसको मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, वो प्रोग्राम्स हैं, वो पोर्टफोलियोज हैं या वो ग्रुप पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है, लेकिन है तो ना, हम आम जबान में उसको प्रोजेक्ट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रुप पोर्टफोलियोज हैं जिसमें हम शहर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो एक आदमी काम नहीं कर रहा है, मल्टीपल एक्सपर्टीज हैं, उसके लेवल्स बिल्कुल ज़्यादा होंगे, लेकिन एक सिंगल प्रोजेक्ट जिसमें हम एक कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या जिसमें हम कोई क्या कहते हैं लेट्स से कोई हाईवे बना रहे हैं 10 10 किलोमीटर के ऊपर या और कोई इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक ही प्रोजेक्ट कंसिडर होगा हमारे, ठीक है ना, सिंगल प्रोजेक्ट कंसिडर, तो हमें उसको खुद कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको मुख्तलिफ मदीद लेवल पर डिफाइन कर दें, कहना भाई सर ने कहा था भाई जितना छोटा काम होगा मैनेज होगा, पता चला तो उस छोटे काम को मैनेज करने के लिए हर जगह एक सुपरवाइजर खड़ा करना पड़ेगा, जब जितना आप उसको ब्रेक करेंगे तो फिर उतनी ब्रेकिंग लेवल पे आपको लोग भी तो चाहिए ना, तो इसलिए आपको ये सोच समझ के करना होता है कि मुझे कितना लेवल पे ब्रेक करना है। अच्छा, अब ओबीएस ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेक डाउन ट्री है ये, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक डाउन ट्री क्या होता है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक एरिया मिसाल के तौर पर है प्रोक्योरमेंट, अब प्रोक्योरमेंट में कितने टाइप की प्रोक्योरमेंट हो रही है, भाई कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, एफएमसीजी में कितनी प्रोडक्शन की यूनिलेवर है, अब उसकी तो नेस्ले जैसे मैंने उनके साथ काम किया, 15,000 प्रोडक्ट लाइन्स हैं खाली पाकिस्तान में, तो 1500 हैं सिर्फ दुनिया में, 15,000 प्रोडक्ट लाइन है उनकी, 15,000 प्रोडक्ट लाइन का मतलब समझ रहे हैं आप, कितने प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स होंगे, कितने ब्रांड मैनेजर्स होंगे जो उसको डील कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड मैनेजर डील कर रहा है, और उसकी प्रोडक्शन के लिए अलग प्रोडक्शन प्लांट है, और उसकी प्रोडक्शन के लिए जो क्या कहते हैं प्रोक्योरमेंट हो रही है वो अलग लोग कर रहे हैं, कहने को एक प्रोक्योरमेंट है, लेकिन
कितने लोगों की ज़रूरत है आपको खाली उसको मैनेज करने के लिए। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेकडाउन लेवल कितना है, बता आप एक प्रोजेक्ट करेंगे, एक कंपनी को आप बेसिकली जो है वो आगे एक प्रोजेक्ट करेगी ना, वो तो वो मटेरियल भी खरीदेगी, वो चीज़ें भी लगाएगी, वो लोगों को भी भेजेगी, सब कुछ करेगी, तो कोई ना कोई तो अलग अलग डिपार्टमेंट मैनेज करेगा ना उनको। कम्बिनेशन ऑफ दीज पीपल एक आउटपुट लेकर आते हैं, एक सिंगल आदमी तो आउटपुट लेके नहीं आ रहा। तो अब ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की भी लेवल 20 है। रिसोर्सेज हम डिफाइन करेंगे, उसकी भी आप बायफर्केशन कर सकते हैं बहुत सारी। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा ये रिसोर्सेज वोकेशनल कह रहा हूँ, सॉरी जनरल रिसोर्सेज एक हेड है, उसमें कहा मैंने कहा जी इलेक्ट्रिशियन एक लेवल है, प्लम्बर दूसरा लेवल है, HVAC तीसरा लेवल है, कारपेंटिंग चौथा लेवल है। अच्छा जी इलेक्ट्रिशियन में आ जाए, इलेक्ट्रिशियन कौन से चाहिए, चीफ इलेक्ट्रिशियन एक अलग लेवल है, जनरल इलेक्ट्रिशियन वायरमैन अलग लेवल है, तीसरा स्विचिंग बोर्डिंग इंस्टॉलेशन एक अलग लेवल है। तो हर तरह का इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन ग्रिड का अलग है, इलेक्ट्रिशियन 11,000 वोल्टेज पे काम करने का अलग है, इलेक्ट्रिशियन 220 पे काम करने का अलग है, तो हर इलेक्ट्रिशियन अलग है। तो आप उसको रिसोर्स की लेवलिंग दिखा सकते हैं, ठीक है। सेम एज द रोल्स, अच्छा रोल क्या है, ये वो रोल है जो मैं बता रहा था अभी, ये इलेक्ट्रिशियन है, ये ग्रिड का है, ये फलां का, ये रोल है उसका। कॉस्ट अकाउंटिंग ट्री, ये इस तरह से इन्होंने एक्टिविटी रिसोर्स कोड मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के कोड वगैरह की एक लिमिट दे दी है कि कितने लेवल तक आप जा सकते हैं और इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कोड एक्टिविटी बेस लाइन 10 और बेस लाइन कॉपी 3 है, ये भी काफ़ी है, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें इसमें तकरीबन चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक डली हुई। आईडी लेंस, आईडी लेंस का मतलब कैरेक्टर, आप लिखते हैं ना जब मुख्तलिफ नरेशन जब डालेंगे आप इसमें तो कितने कैरेक्टर तक की डाल सकते हैं। तो प्रोजेक्ट आईडी 20, WBS 20, रिसोर्स आईडी 20, एक्टिविटी आईडी 20, कॉस्ट अकाउंटिंग आईडी 20, रोल आईडी 20, तो इट्स ऑल ओवर 20 इज क्वाइट एनफ, इससे ज़्यादा हमें कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। टाइम पीरियड में अलबत्ता को चेंजेस करनी होंगी कि आप नॉर्मल प्रोजेक्ट 8 आवर का होता है, तो आप यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो ठीक है, आपके पास 40 लिखा हुआ होगा यहाँ पर। आप इसे हमारे मुल्क में तो 48 आवर्स काम हो रहा है, 6 दिन काम होता है, ठीक है, तो आप इसको 48 कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आवर्स जो हैं आपके वो यहाँ पे 192 आवर्स महीने के हो जाएंगे, वो कर लीजिए, और 2304 आवर्स आपके जो हैं वो साल के हो जाएंगे, वो लिख लीजिए। मिनट्स को एन से, आवर को एच से, डेज को डी से, डब्लू को वीक से, एम मंथ और वाई ईयर से डिनोट किया गया है। इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये ठीक डले हुए सारे, यानी आप हाँ मिनट को एन से किया हुआ ना, क्योंकि एम से तो मंथ होगा, ठीक है। आप टी रखना चाहते हैं उसको टी रख लें, आप पे डिपेंड करता है, आप चेंज कर सकते हैं, ओके जी। देन अर्न वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करनी, रिपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं करनी, ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं करनी, रेट टाइप में कोई चेंजेस नहीं करनी। इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन को चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, हो गया, ठीक है जी, सबका हो गया भाई। एडमिन प्रेफरेंसेस की बात आ रही है, एडमिन, हाँ क्या दे रहे हैं आपने, कोई चेंजेस की होंगी नहीं, क्या है एरर, क्या दे रहा है, हाँ ओके कर दो। उसके बाद आ रही है जब एडमिन कैटेगरीज में, एडमिन कैटेगरी बेस लाइन पर देखिए, ये आपकी सारी दी गई चीज़ें, बेस लाइन इट्स ओके, ठीक है। एक्सपेंस कैटेगरीज पे क्लिक करें, अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, एक तो वो बजट है जो आप डेली बेसिस पर, सॉरी आपको मंथली मिल रहा है, कंपनी करा रही है, एक आपके वहाँ पे डेली खर्चे अलग होते हैं, ठीक है ना। तो जो डेली एक्सपेंसिव होता है उसको कहते हैं पेटी कैश से आप दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास आप ख़रीदते हैं, कभी इक्विपमेंट, हार्डवेयर, कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर, फैसिलिटीज, मटेरियल, ट्रेनिंग, ट्रैवल, मील्स जो है मैंने डाल दिया थे, मैंने ऐड कर दिया कि हमने ऐड किया, मैंने यहाँ पर मील डाल दिया, तो आप भी ऐड करके मील्स डाल दें कि कोई एक्स्ट्रा अगर आपके पास और इसके अलावा कोई ख़र्चा आता है डेली बेसिस पर आपको, जो जिसका हेड यहाँ नहीं बना हुआ है, तो वो हेड आप यहाँ डाल दीजिए,
ठीक है, देन WBS कैटेगरीज पे क्लिक करिए। WBS कैटेगरीज के अंदर आप देखें इनिशिएटिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड क्लोजिंग, पांच बड़े प्रोसेस लिखे हुए हैं। ये पांच बड़े प्रोसेस जो है ये PMI के प्रोसेस हैं, ठीक है। ओरेकल ने जब प्राइमावेरा को एक्वायर किया तो PMI के साथ कोलैबोरेट किया 2006 में, और उसके बाद जो है वो उसने ये प्रोसेसेस के साथ ही आगे चीज़ों को लेके चला। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है कि ये हमारे पास, लेकिन हमें इसकी फ़िलहाल अभी ज़रूरत इसलिए नहीं। ये बड़े बड़े WBS है, देखिए आप इनिशिएट नहीं कर रहे अभी प्रोजेक्ट, इनिशिएशन में नहीं है आप। आपने सोचा है कि ये मैं बनाऊंगा ये प्रोजेक्ट, किसी और ने सोचा है ना कि ये बनना चाहिए, तो ना आप उसकी बजटिंग में, ना आप उसकी कॉस्टिंग में, ना आपको, आप सिर्फ शेड्यूलिंग में, प्लानिंग में, सॉरी प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, वही यानी आप सिर्फ प्लानिंग में, आप प्लानिंग और स्केड्यूलिंग कर रहे हैं और वो आपका काम है बस, ना आप कॉस्टिंग में, ना आप प्रोक्योरमेंट करेंगे, ना बाकी सारा काम कंपनी कर रही है, आप प्लानिंग और कंट्रोलिंग करवा रहे हैं और एग्जीक्यूशन, ये तीन काम आपकी जिम्मेदारी है। अब प्लानिंग में आप मौजूद हैं, किसी ज़माने में आप एग्जीक्यूशन में होंगे, आप साइट पर खड़े रहते होंगे, ठीक है, और वहाँ जाके लोगों से काम करवाते होंगे, तो लोग एग्जीक्यूशन में होते हैं, फिर वो उनको सुपरवाइज़र बना देते हैं, तुम देखते रहना, कंट्रोलर बन, फिर कंट्रोलर से निकल के आप प्लानिंग में आते हो, और क्लोजिंग हर चीज़ की होती है। अब प्लानिंग के बाद इनिशिएशन उसी वक्त हो सकती है जब आप किसी स्टेक होल्डर के साथ मिल जाए और उसे कहें यार पैसा लगाओ मैं काम करता हूँ, नए नए प्रोजेक्ट इनिशिएट करें आप, यानी कि नॉर्मली आप बिजनेस की तरफ आ जाएं, या आप गवर्नमेंट के किसी ऐसे बड़ी जगह पे चले जाएं जहाँ आप नए प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं। और दुनिया भर में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनिशिएट होते हैं वो गवर्नमेंट के ही होते हैं, प्राइवेट सेक्टर कभी भी बड़ा प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट की कैटेगरीज, अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी दी हुई है तो बहुत सारे टाइप के प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंट बनते हैं, सही, तो वो प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट की यहाँ टाइप दी हुई है कोई नहीं है तो वो डाल दें, फिलहाल हम इसको अभी नहीं छेड़ रहे। डॉक्यूमेंट का स्टेटस कि उस डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कराया है वो फ्लो में, प्रोसेस में, डॉक्यूमेंट जो है वो अंडर रिव्यू है, ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, इनिशिएशन प्रोसेस बिल्कुल ऐसे, ठीक है। रिस्क कैटेगरीज हैं, अब यहाँ पर रिस्क की बहुत सारी कैटेगरी, आप रिस्क नहीं देख रहे, रिस्क के लोग अलग होते हैं, तो सारे काम देख रहे होते हैं, ठीक है। नोटबुक है, यूनिट ऑफ मेजर अलबत्त आप देख लें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास किलोग्राम नहीं है तो आप ऐड कराइए, ऐड लिख के केजी लिख लीजिए, आगे किलोग्राम लिख लीजिए, यानी जब आप इस पर हम, क्योंकि हम तो जाएंगे कॉस्टिंग वॉस्टिंग पे, हम तो करेंगे इसमें प्राइमरी में चीज़ें, ठीक है, तो हम मटेरियल वटीरियल डालेंगे, सब मटेरियल की तरफ जाएंगे, तो मटेरियल में ऐसी कोई चीज़ जो हमारे पास यूनिट उसका नहीं है वो आपने डाल दिए। हाँ भाई कर लिया, सबने क्लियर हो गया तक? यस जी जी क्लियर हो गया। ओके, कॉस्ट पर यूनिट सीपीयू, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप आ रही करेंसी हो गया, ये सारी चीज हो गई, ये सारा आपका आप आपके पास। अब आप देखिए एंटरप्राइज में आइए, एंटरप्राइज में जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोजेक्ट्स की कई लेवल्स हैं, एक प्रोजेक्ट है उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा है, जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए प्रोग्राम मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे अलग टेक्निक यूज़ हो रही है प्रोग्राम मैनेजमेंट की, उसका दूसरा नाम है एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या तो प्रोग्राम मैनेजमेंट कहा जाता है उसको या एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। अच्छा एक और भी चीज़ मैंने आप लोगों का भी इससे नहीं बताई कि इधर पर हम प्राइमावेरा कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट इज अ जेनेरिक टर्म, प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ जेनेरिक टर्म, हर फील्ड में उस आदमी का नाम डिफरेंट हो सकता है, जैसे FMCG में ब्रांड मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर है, फार्मास्यूटिकल में प्रोडक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर है,
कंस्ट्रक्शन की वर्ल्ड में कंस्ट्रक्शन मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर या चीफ इंजीनियर इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। होता है लेकिन क्योंकि मैंने बताया ना कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो एक फिलॉसफी है। अब मेरा बैकग्राउंड तो नहीं है कंस्ट्रक्शन का, लेकिन दुनिया में मैंने पता नहीं क्या क्या बनवाया, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है, मुझे प्रोग्राम मैनेजमेंट आती है, मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आती है। ये अलग स्किल है, ठीक है, एक अलग स्किल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस पर फिर हम बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन मैनेजर क्योंकि वो जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है वो उसी से कहते हैं तुम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लो। ये दो अलग जॉब है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अलग जॉब है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अलग जॉब है, लेकिन वो उसी से करवा लेते हैं यार तुम ही देख लो, और चाहते हैं कि काम हो जाए, ठीक है नॉर्मली। तो हमारे पास जो है वो जॉब डिफरेंट है, लेकिन ये बड़ी कंपनी में अप्लाई होती है। जो ये पाकिस्तान की कंपनीज हैं और जो छोटी छोटी कंपनीज हैं नॉर्मली, उनमें वो कहते हैं यार जिसकी डोमेन एक्सपर्टीज है उसी से काम करा, उसी को दे दो ये काम। आप कभी भी नहीं देखेंगे यहाँ पाकिस्तान में या कहीं और हमारे गिरदो नवा के जो कंट्रीज हैं कि वहाँ पर एक ऐसा आदमी प्रोजेक्ट मैनेजर बना हुआ है जिसका फील्ड से ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, देखिए काम करवाना होता है, ठीक है ना। मैंने कहा मेरा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ भाई, और आईटी मेरी एक्सपर्टी थी, एआई में पीएचडी हूँ और साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है वो मेरी डोमेन एक्सपर्टी थी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरी एक अलग एक्सपर्टी थी। अब जिस कंपनी में मुझे जॉब मिली उन्हें कहा जी आपको तो ये करना है, बस इनसे काम कराना सीखो, अंग्रेज पूरी दुनिया में काम करा रहा है, ठीक है ना, उसका काम ही यही है, दुनिया में जितने स्टैंडर्ड है वो दे रहा है, सारे डॉक्यूमेंटेशन वो मैनेज करवा रहा है, ठीक है। आप जाके मिलेंगे बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे आप वहाँ पे, तो आप उनकी देखेंगे वो बैचलर्स ही नहीं होंगे, उन्होंने लेवल्स के डिप्लोमा किए हुए होते और वो उस एरिया में काम करवा रहे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को हैंडल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो चेयरमैन है डिपार्टमेंट का वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो डीन है वो प्रोग्राम मैनेजर है, जो वीसी है वो पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसूली तौर पे। तो जो क्या वीसी होता है क्या वो हर डिपार्टमेंट के बारे में जानता है? नहीं जानता, वो तो अपने एरिया का डोमेन एक्सपर्ट है ना खाली, तो अब वो कैसे काम करा रहा है फिर? इसका मतलब है कि वो मैनेजमेंट स्किल्स है, ठीक है ना, वो मैनेजमेंट स्किल्स है। एक है टेक्निकल स्किल्स, एक है मैनेजरियल स्किल्स। तो अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं बहुत अच्छी बात है, आप कंट्रोल इन्वायरमेंट में चीज़ों को कर सकते हैं, आप वो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप मैनेजरियल स्किल आपकी बहुत अच्छी है तो आप कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकते, टेक्निकल में फिर बेवकूफ़ बन जाएंगे। ये चीज़ हमें बड़ी देर में समझ में आई थी। मैं हूँ ना आपके सामने एग्जाम्पल, मुझे 99 में ये बात समझ में आ गई थी कि अगर मेरी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होंगी तो ही मैं ऊपर जा सकता हूँ, अगर मैं टेक्निकल लेवल पे लगा रहा तो मैं ही ठोकता ही रहूँगा यहाँ पे चीज़ें, जैसे एक मजदूर ठोकता रहता है। क्योंकि जब तक मैं एग्जीक्यूशन में हूँ ज़्यादा मैं प्लानिंग में आ जाऊँगा, मैनेजमेंट में अगर मैं हूँ तो मैं टॉप पे जा सकता हूँ। और मैंने जब वो सिरा पकड़ा तो मैं विद इन 2 ईयर्स ग्रुप हेड था, मैं 35 कंट्रीज के सर पे खड़ा हुआ था, 11 साल मैंने काम कराया उनके साथ और आज भी करा रहा हूँ। अब ये है कि मैं फुल टाइम नहीं करा रहा, भेजते रहते हैं चीज़ें, वो आ जाइए सर 1 महीने के लिए आ जाइए, 2 महीने के लिए आ जाइए, वो भी गवर्नमेंट की यूके की कंपनी है, एक तरह से लॉयड ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है वो, हाँ ग्रुप लाइबर इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट के अंदर वहाँ यूके का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। यूके में क्या है, यूके की जो गवर्नमेंट कंपनी, एक तो बहुत ही गवर्नमेंट प्योर गवर्नमेंट है और एक बड़े ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट के ही है, वो कहते हैं आप सीईओ हैं और आप चलाएंगे, इस तरह से ग्रुप से वहाँ। जैसे यहाँ पे एनसी थी, नेशनल और भी थी, सेसी थी,
सेसी थी यहाँ पे, एक और भी कंपनी थी, ये स्टील मिल। स्टील मिल को आप क्या समझते हैं? पीआईए। पीआईए को तो लोग सिर्फ जहाज ही समझते हैं। कल ही मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने बताया इनको, लड़के मेरे साथ थे, मैंने कहा ये पीआईए जो है इसका एक इदारा है पीआईएसी, जो प्रिसीशन इंजीनियरिंग पे काम करता है। वो इदारा अभी भी कर रहा है वो काम, और दुनिया भर को चीज़ें दे रहा है वो। जो जहाज़ जब चलता है तो जहाज़ के इंजन में पिन्स होती हैं, जो एयर कंट्रोलिंग पिन्स होती हैं इंजन के अंदर, वो पिन इतनी प्रिसाइज्ड हैं और इतनी हार्ड हैं कि वो एयर को रोकती हैं और जहाज़ उस पर चलता है। वो पीआईएसी बनाता है। सोचें आप, करोड़ों लाखों की एक पिन है भाई जी, और बहुत कुछ है पीआईए के पास, ऐसे स्टील मिल के पास। तो हाँ, वो तो प्राइवेट एक तरह का इदारा है, सेमी गवर्नमेंट टाइप है। हाँ, मकसद कहने का ये है कि हमारे पास एक प्योर गवर्नमेंट होता है और एक आप उसको मिला के चला रहे हैं, ठीक है ना, वो एक अलग। तो इदारे तो हैं, डिपेंड करता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि असल आपकी स्किल्स है मैनेजरियल स्किल्स। ये भी जब स्केजुलिंग करा रहे हो ना, ये भी आप मैनेजरियल स्किल्स ही कंट्रोल करोगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स उसकी डीप डाउन पार्ट है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसको मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रही वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं पीएमआई पीएमपी करने के लिए कितने साल कह रहा है, 5 साल का एक्सपीरियंस हो। क्यों फॉरन क्यों नहीं कह रहा कर लो, फॉरन वो सीएपीएम कराता है, क्यों नहीं करवा रहा आपको पीएमपी डायरेक्ट? पता है उनको कि एक आदमी जो ग्रेजुएट करके निकलता है 5 साल में उसकी जहन की खिड़की खुलती है, नई नई खिड़की खुलती है उसकी, वो होती है मैनेजमेंट स्किल्स की खिड़की। 5 साल तक वो थैला उठा के फिर रहा होता है, ठोका ठाकी कर रहा होता है, एग्जीक्यूशन में होता है एक्चुअली वो, और वो एक्सपीरियंस लाजमी है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपीरियंस लिए बगैर वो ऊपर आ जाएगा, वो लाजमी है कि वो उस फॉर्म में गुजरे। जब वो गुजरता है तो उसको पता चलता है कहाँ नरम है, कहाँ गर्म है, कहाँ ठंडा है, कहाँ फला चीज़ है, और वो एक्सपीरियंस ही उसको कुंदन बनाते हैं। 5 साल के बाद अब उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो आ जाए मैनेजमेंट। जो नहीं आते फिर वो फंसे रहते हैं, ठीक है ना, 20-20 साल फंसे रहते हैं लोग, वो नहीं आ पाते मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट में आने के लिए आपको फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी टेक्निकल साइड की। टेक्निकल लोगों का मसला क्या है, आईटी में भी यही मसला है कि टेक्निकल लोगों का मसला ये, मैं खुद टेक्निकल आदमी हूँ ना, तो मैं अभी भी अपनी चीज़ें खुद करता रहता हूँ बैठा हुआ। लेकिन इवन तो मेरा सॉफ्टवेयर हाउस भी है, मेरी कंपनी और भी है, काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह सब, वो लड़के काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना लगा रहता हूँ। कीड़ा है, टेक्निकल आदमी को एक कीड़ा होता है कि यार मैं अपनी स्किल स्ट्रांग कर लूँ। वो बिलीव नहीं करते कि मैं मैनेजमेंट पे ही आ गया हूँ 100%, ठीक है ना। मेरे साथ मेरा एक जो थी वो मेरी कुलीग थी, तो जब मैंने उससे कुछ बातें की कि यार मुझे अफसोस होता है कि मैं ये काम अब ये लोग कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा, तो वो कहती वकार लीव इट योर पास्ट, नाउ यू आर अ मैनेजर, थिंक अबाउट द मैनेजमेंट। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट टेक्निकल थिंग्स यू कैन नॉट एक्सेल। मुझे उसकी बात बड़ी पते की लगी, मैंने कहा हाँ यार। तो गाड़ी में बैठ रहे थे, उसने आखिर में जुमला मुझसे कहा नाउ यू आर ऑन द न्यू कार, यू हैव अ न्यू सीट, ठीक है, यानी अब तुम एक नई दुनिया में आ गए हो, अब तुम यहाँ का सोचो, छोड़ दो टेक्निकल बातें। तो मैंने कहा इफ समबडी इज गोइंग टू किक आउट फ्रॉम मी फ्रॉम दिस कार एनी टाइम देन व्हाट, सो व्हाट, then actually you are kicked out from this big car, so you will get a new big car, ठीक है ना। तो हम अपनी टेक्निकल चीज़ों में फंसे रह के अपनी मैनेजर स्ट्रिंग्स को स्ट्रांग नहीं कर पाते, और मैनेजमेंट इज
चीज़ मैनेजमेंट स्किल्स को स्ट्रांग करना ज़रूरी होता है लाइफ में। एक 5-5 साल का पैटर्न है ये कभी आप एचआर में पढ़ेंगे, करियर करियर ग्रोथ एंड प्लान्स, तो 5-5 साल का एक पैटर्न बनाया हुआ उसमें कि एम्प्लॉई जब आता है तो उसको 5 साल बाद कहाँ पोजीशन करना चाहिए, फिर 5 साल बाद कहाँ पोजीशन करना है, वरना एम्प्लॉय भागेगा, एम्प्लॉय को अपना करियर ग्रोथ मतलब नहीं आएगा तो वो छोड़ देगा, उसके लिए प्रमोशन लाजमी है, उसके लिए फैसिलिटी लाजमी है, ठीक है। सो हम जो है वो इसलिए यहाँ पर सारी मैनेजमेंट वाली बातें कर रहे हैं कि ये इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर या जो भी हमारी चीज़ें हैं वो इस तरह से चल रही है। अच्छा, आप लोगों को मैं नया लिंक दे दूंगा जैसे ये लिंक ड्रॉप होगा, ओके, जो ऑनलाइन वाले हैं। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास एंटरप्राइज के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स क्लिक करें आपको नजर आएंगे एंटरप्राइज में, सॉरी मैं एंटरप्राइज बता रहा था मैं कि प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के बाद एंटरप्राइज मैनेजमेंट होती है और एंटरप्राइज के बाद प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। बड़े मजे की बात यह है कि प्राइमावेरा ने इन सब के अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए हैं। अभी जो आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो ये पीपीएम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। जो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसका अलग अलग सॉफ्टवेयर, वो सर्वर पे इंस्टॉल होता है, फिर उससे कनेक्टिविटी है, फिर उसके साथ इंटरप्राइज की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अलग है, वो अलग सॉफ्टवेयर है, उसके लिए अलग स्किल सेट रिक्वायर्ड है। फिर यूनिफायर मैनेजमेंट प्राइमावेरा का अलग है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट अलग है, ठीक है, ईवीएम अलग है, रिस्क एनालिसिस अलग है, तो प्राइमावेरा के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अभी तो आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को समझने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा स्केड्यूलिंग में यूज होता है। तो हम इसलिए मैं आपको बता रहा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरप्राइज मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो क्यों अलग अलग होता है और इसके लिए क्यों ज़रूरत है हमें इस्तेमाल करने की। तो उन्होंने इसके सॉफ्टवेयर भी आपको दिए हुए, वो अलग जब आगे आप ज़िंदगी में बढ़ेंगे और आपको ज़रूरत होगी तो आ जाइएगा, फिर वो कराएंगे। वो काफ़ी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर भी है, एक्सपेंसिव ट्रेनिंग भी है और बहुत डिटेल ट्रेनिंग भी है, सस्ती ट्रेनिंग नहीं। एंटरप्राइज का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने देखें, ये है लेवल वन एंड दिस इज लेवल टू, ओके, एंड दिस इज लेवल थ्री। अब ये इन्होंने इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हुई हैं यहाँ पे। अब मैं कोई ऐड करना चाहता हूँ अगर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इसमें, तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ जो मुझे लगता है कि यहाँ इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम कोई अगर मिसाल के तौर पर एजुकेशन आपके पास नहीं आ रहा होगा, या आपके पास डेटा सेंटर टेलीकॉम सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो आप आईटी में रख के लाइन ऑफ बिजनेस पर क्लिक करें और यहाँ से ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो मैं ऐड करने के बाद उसी लाइन पे नीचे आ जाऊँगा और मैं यहाँ लिखता हूँ, मिसाल के लिख देता हूँ मैं जी स्कूल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो मेरा जो एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर है, यानी मेरी एंटरप्राइज किन किन एरियाज में काम कर रही है, भाई एक टाइम आता है ना, लोग एक बिजनेस नहीं कर रहे होते, चार बिजनेस कर रहे होते। तो अब आपका स्कूल प्रोजेक्ट जो है वो आपका बिजनेस जो है वो उसके कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो ठीक है, नहीं है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये जरूरत उस वक्त ही पड़ेगी आपको जब आप ईपीएस से कनेक्ट होंगे आगे, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो फिलहाल अभी हम इसको समझाने के लिए मैं खोला हुआ है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, ऐसे ही आप खोलिए तो ऐसे ही पोर्टफोलियोज आ रहे हैं बहुत सारे। देखिए पोर्टफोलियोज में बड़े बड़े पोर्टफोलियोज आ रहे हैं, ठीक है। आखिर में मैंने एक प्रोफेशनल एजुकेशन ऐड किया है, वो इसके अंदर नहीं था। आ रहे हैं कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, आईटी पोर्टफोलियो, हर तरह के आ रहे होंगे। नीचे देखिए एजुकेशन का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जनाब आप ओबीएस के ऊपर, एंटरप्राइज में ओबीएस ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है।
अब इसमें भी आप देखिए कि आपके पास क्या सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आ रहे हैं तो सो के, नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पर भी ऐड करा देते। मैं यहाँ पर ऐड करा देता हूँ और आई कैन ऐड एविएशन प्रोजेक्ट्स लाइन लाइन वन पे। ठीक है, अगर मुझे इसको आगे पीछे करना है तो देखिए ये दिया हुआ है राइट पे इंडेंट्स, ऊपर नीचे करने के लिए और आगे पीछे करने के लिए इंडेंटिंग दी हुई है। ठीक है, ये भी आप क्लोज कर लें। आ रही होगी ओबीएस में, कौन सा नहीं आ रहे? ये नहीं आ रहे, ऐड कराएं नीचे रख, सबसे आखिर में रख के ऐड कराएं, खुल जाएगा फिर। या इस तरह बंद होगा, यही हूँ ऐड कराया, ऐड कराते खुल जाएंगे सारे। जी आप लोगों के पास, ऑनलाइन वालों के पास हो रहा है सब? जी हो रहा है मेरे पास। ओके ठीक है जनाब, अब आप ये, आप यहाँ तक तो सारी चीज़ें हमने कॉन्फ़िगर कर ली। अच्छा, अब हम क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स खुले हुए आपके पास, ठीक है, जो आपने ईपीएस सेट किया था, आप देखें आपने उसमें ऐड किया ईपीएस एंटरप्राइज के अंदर, ये सारे एनर्जी कंस्ट्रक्शन है, एनर्जी है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कॉरपोरेट है, आईटी है और एजुकेशन मेरे पास है। जो ईपीएस हमने सेटिंग की थी यहाँ जाके इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, जो हमने आपके सामने बनाया हुआ था, ये आ रहा था ना मुस्तरफ, तो जो चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगा उसका रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आएगा प्रोजेक्ट्स में नज़र आएगा। प्रोजेक्ट खुला हुआ है ना आपके पास, आपके पास प्रोजेक्ट खुला हुआ होगा, ऊपर प्रोजेक्ट खुला हुआ है ना ये। तो अब आप इसमें देखिए कि आपके पास ये सारे EPS बने हुए, एनर्जी कंस्ट्रक्शन में आपने जाके काम करना है, मेन हेड एंटरप्राइज है और उसके अंदर ग्रीन के अंदर आपके पास एनर्जी कंस्ट्रक्शन है। अब ये आपके पास आ रहा होगा सिटी सेंटर ऑफिस बिल्डिंग एडिशन, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है? कोई भी आ रहा है, एनर्जी एनर्जी कंस्ट्रक्शन के आखिरी वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लें आप। नहीं, आपको एक्टिविटीज आ रही हैं, आप यहाँ जाइए फाइल में, इसको क्लोज ऑल पे क्लिक कीजिए। क्लोज ऑल हो गया, अब आप एंटरप्राइज में जाइए, प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब उसका लास्ट एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन के लास्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। हाईलाइट कर दिया आप लोगों ने, न्यू प्रोजेक्ट हाईलाइट कर दिया आपने वहाँ पे, जो भी आ रहा है प्रोजेक्ट में बस क्लिक कर लें, अभी कुछ नहीं करना है। ऊपर कोई भी फाइल नहीं आ रही है आपके पास, आपकी डेटाबेस कनेक्टेड ही नहीं है। एक मिनट हो, नहीं नहीं तो बस डायरेक्टली उठवा दिए सर, अब वो आया।
इसी पे क्लिक करके रखिएगा। जो भी लास्ट आपके पास डेटा आ रहा है उस लास्ट डेटा को आप जो है यहाँ पे क्या करें कि अपना कर्सर रखें ईएनसी के अंदर, ठीक है, लास्ट डेटा जो भी आपके पास आ रहा है, और फाइल पे जाइए और फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक कीजिए, ठीक है। नहीं लास्ट पे बिल्कुल जो क्लिक लास्ट पे क्लिक रखा है ना, और फाइल पे जाके न्यू लिखे तो उसके नीचे नया प्रोजेक्ट आएगा ना। फिर अब आपने यहाँ पे ईपीए सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ईएनसी को डबल क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे आ रहे होते हैं। अच्छा, आपके पास नहीं आ रहे होंगे, आपके पास सिर्फ देखिए इसमें ई एन सी डाला है ना मैंने, उसको डबल क्लिक करें, डबल क्लिक किया आपने, आ गया ये नीचे इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी लिखते हैं आप। अच्छा, प्रोजेक्ट आईडी के लिए ना जरूरी है कि आपने कैसे इसको लेके चलना है इन फ्यूचर विद यू। आप अपना कोई प्रीफिक्स और सफिक्स जो है ना वो बना लें। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 3D, ठीक है, KHI पाकिस्तान में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कराची में, ठीक है, डैश मैंने कहा जी NRL और डैश 01। अब ये मेरी प्रोजेक्ट की आईडी है, मैं NRL का पहला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या मैं NRL का पांचवा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है कि उनको जी एक मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी कि उनको एक 240 यार्ड्स का वेयर हाउस, ठीक है ना, डेवलप करना है। बल्कि 1000 यार्ड्स का कर लें, 1000 यार्ड्स का वेयर हाउस डेवलप करना है, ठीक है। नेक्स्ट किया आपने, प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट क्या है। अच्छा, नॉर्मली बंद हो गया इन लोगों का, रिकॉर्डिंग ऑफ क्या आ रही है, ट्रैकिंग कौन सी ट्रैकिंग, हाँ हाँ सही है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब ये आपके पास जो आ रहा है इसको हम क्या करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपका ओपन हो गया, यहाँ पे नया प्रोजेक्ट खोल लिया है, इसमें कोई भी बना बनाया प्रोजेक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप सबसे पहले मैंने कहा था प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट ठीक करना होता है, तो एक तो आपने प्राइमावेरा का एनवायरनमेंट ठीक किया। अब आप प्रोजेक्ट के अंदर जाके उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उसका कैलेंडर बनाएंगे, ठीक है। तो एंटरप्राइज में ही आप जाइए और कैलेंडर पे क्लिक कीजिए। आपके पास ग्लोबल ऊपर कैलेंडर आ रहा होगा, एक ग्लोबल आ रहा है, एक रिसोर्स लिखा हुआ आ रहा है, एक प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, और इसके नीचे आपके बहुत सारे कैलेंडर आ रहे हैं। आप इसमें कोई भी एक कैलेंडर उठा लें, आमतौर पर स्टैंडर्ड कैलेंडर इसमें लिखा होगा कहीं पे आ रहा है, स्टैंडर्ड कैलेंडर स्टैंडर्ड फुल टाइम आ रहा है, उस स्टैंडर्ड फुल टाइम कैलेंडर को आप जो है वो ऐड कराइए, कोई भी ले लें, कोई भी ले लें, मैं सेट कराता हूँ उसको। कोई भी कैलेंडर आप उठा लें और उस कैलेंडर
ऐड कराने के लिए आप कोई भी इसमें जब आप ऐड कराएंगे तो कोई भी कैलेंडर जो बना हुआ आ रहा हो आप उसमें से कैलेंडर को उठा लें। मैं कोई भी ट्रेड क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे उस कैलेंडर का नाम लिख देता हूँ माय कैलेंडर, ठीक है, फॉर वेयर हाउस। ओके अच्छा एक मिनट, बल्कि सॉरी गलती कर दी हमने, हमें प्रोजेक्ट को क्लिक करके ऐड कराना था। तो अगर हमने ऐसा नहीं किया है तो हमें इसको डिलीट कर दें फिलहाल यहाँ से, ठीक है। और फिर मैं एक तरीका है, मैं करवा सकता था लेकिन छोड़ें। प्रोजेक्ट पे क्लिक करें ऊपर और प्रोजेक्ट से क्लिक करें ऐड कराएं। अब आप यहाँ से उठाएं जो भी आपने उठाना है और इसका नाम लिखिए माय कैलेंडर फॉर वेयर हाउस। सही है। अच्छा अब ये आपके पास, ये आपका प्रोजेक्ट का कैलेंडर है जो आगे चलेगा, लेकिन ये कैलेंडर के अंदर क्या हो रहा है इसको सेट करना होगा। सबसे पहले हम जाएंगे मॉडिफाई पे, ठीक है। मॉडिफाई में आपके पास सैटरडे संडे ऑफ आ रहा होगा, ग्रे आ रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो वर्क वीक में जाइए। वर्क वीक में आप देखें आठ 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 हर जगह लिखा हुआ है, सैटरडे को आर्ट कर दें आप, ठीक है, ओके कर दें। अच्छा अब आप देखिए सिर्फ संडे ऑफ आ रहा है, सही है। और जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो वहां पे आठ आठ लिखा हुआ आ रहा होगा और संडे को क्लिक करेंगे तो आपको जीरो लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक, क्लियर है जनाब। अब इत्तेफाक से जून में छुट्टी आ गई, 15, 16 या 14, 15, 16 की छुट्टी होगी आपकी ईद की, तो आप इसे कंट्रोल दबा के भी क्लिक कर सकते हैं 13, 14, 15 को, या आप शिफ्ट दबा के भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसको देखिए यहाँ पर नॉन वर्क पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब जुलाई में अगेन छुट्टी आ जाएगी, इसलिए कि ये 15 की छुट्टी आ रही है ना, तो इतने ही तकरीबन 13, 14 को छुट्टी आ जाएगी मुहर्रम की, तो ये नॉन वर्क इसको भी कर दें आप। फिर आइए अगस्त में, 14 अगस्त की छुट्टी होगी, इसको नॉन वर्क कर दिए। सितंबर में कोई छुट्टी नहीं होगी, अक्टूबर में कोई छुट्टी नहीं होगी, नवंबर में कोई छुट्टी नहीं होगी, दिसंबर में आपको जाके 25 दिसंबर को छुट्टी होगी, फिर जनवरी में कोई छुट्टी नहीं होगी, सितंबर में शायद और है डिफेंस डे की छुट्टी कहाँ होती है। अब फरवरी में 5 फरवरी की छुट्टी होगी बस, मार्च में 23 मार्च की छुट्टी होगी, वो ऑलरेडी छुट्टी आ रही है, अप्रैल के अंदर आपकी कोई छुट्टी नहीं है और मई में भी कोई छुट्टी नहीं है, फर्स्ट मई की सब छुट्टी है। अब आपके पास यहाँ आ जाइए पीछे 2024 में, ये है आपका जून में जिलहज, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, रमज़ान ही आ जाएगा। तो प्रॉबेबली चांसेस है रमज़ान पहली तारीख से हो, पहली मार्च से, ठीक है। अब पहली मार्च से रमज़ान में हो जाएगी टाइमिंग डिफरेंट। अब कैसे मैनेज करेंगे, नहीं अब हम क्या करेंगे, देखें पहले देख लें। हम सैटरडे को क्लिक करेंगे 2025 मार्च को, और हम चाहें तो कंट्रोल जाके या शिफ्ट दबा के सबको सिलेक्ट कर ले पहले, तो अभी समझ ले कर लीजिएगा दोबारा करा, ठीक है। एक सिलेक्ट कर लिया आपने,
उसके बाद डिटेल वर्क आवर पे क्लिक करेंगे, ऊपर दिया हुआ है, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और नॉन वर्क आवर करेंगे। और उसके बाद दोबारा यहाँ 7 बजे से लेके 1 बजे तक इसको वर्क करेंगे, और फिर कंट्रोल दबा के सबको, इसको तो नॉन वर्क करना ही है आपने, दोबारा नॉर्मल करेंगे। अब पहली तारीख से लेके फिर तीस, हाँ दो कॉलम आवर है ना, आधा आधा घंटा का, घंटे में डिवाइड हो गया ये टाइम, सुबह 7 बजे से लेके 12 के एंड यानी 1 बजे तक, और ये आधे घंटा ये आधा घंटा ये, समझ, हाँ डिवाइड किया हुआ, ठीक है। अब आप देखिए इसका स्टाइल चेंज हो गया, और अगर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो अभी 6 घंटे का टाइम बनना चाहिए, लेकिन अभी भी गलत हमने कोई सिलेक्ट कर लिया है, 13 तो चले गए, 12 के एंड पे ख़त्म करना था, तो ये यहाँ पे हमें जाके दोबारा से यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और इस हिस्से को भी नॉन वर्क करना है, ठीक है। बात क्लियर हुई कैसे करेंगे, ये आपने पहले पहली मार्च से लेके मतलब शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लीजिए, अब करिए पहली मार्च पे क्लिक करिए और शिफ्ट दबाइए और 31 मार्च तक क्लिक कर लीजिए, उसके बाद डिटेल वर्क आवर को क्लिक कीजिए, ऊपर से नीचे तक जाके पूरा इसको नॉन वर्क कर दीजिए, ठीक है। फिर 7 बजे से क्लिक करके 12 बजे के एंड तक क्लिक कीजिए शिफ्ट दबा के, और इसको वर्क कर दीजिए, ठीक है। चेक कीजिए वर्क आवर में 6 घंटे आ रहा है, उसके बाद कंट्रोल में या कंट्रोल दबा के इनको 1 बाय 1 सेलेक्ट कीजिए और नॉन वर्क कर दीजिए, और फिर ईद की छुट्टियां मदीद जो है आप डिफाइन कर दीजिए नॉन वर्क यहाँ पे, और हो सकता है कि वो आपको ऐसी छुट्टी दें 29, 30, 31 की। अब ये आपका कैलेंडर जो है ना, जितने साल का प्रोजेक्ट है उतने साल का कैलेंडर आपको डिफाइन करना पड़ेगा छुट्टियों समेत, ओके कर दीजिए। आपका कैलेंडर जो है वो क्या हो गया, डेवलप हो गया, भाई क्लियर है आप लोगों को ऑनलाइन वालों, जी क्लियर है मुझे, जी क्लियर, ओके। यहां तक आपने काम कर लिया है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है कि हम अपने WBS को डिफाइन करेंगे। WBS डिफाइन करने के लिए क्या है कि ये आपका देखेंगे ये W यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का मैंने बताया था एरिया है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, ये जो लिखा हुआ WBS इसको आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे WBS डिफाइन करने हैं, आपने क्या क्या मेजर काम होंगे, ठीक है। कैलेंडर आ रहा है, कहाँ देख रहे थे आप, यहाँ बंद करो ना उसको, क्लोज कर दो ना कैलेंडर को, नहीं ये WBS, अब उसके बाद ये इसके साइड पे यहाँ पे ये जो जगह खाली आती है वहाँ पे आ रहा है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हैं टास्क टास्क आ रहे हैं वो गैंट चार्ट शो हो रहा है, ये वाला गैंट चार्ट ना, ये है ना, ये हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर का बटन क्लिक कर ले आप, कौन सा ये वाला बटन, ये गैंट चार्ट पे ये आएगा, बाकी सिंपल टेबुलेशन में ही आएगा, राइट पे आ रहा है ना, लेफ्ट पे तो नहीं आ रहा ना, दाएं पे तो आएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, WBS कैसे ऐड किया, ऐड नहीं किया ये हमने, क्लिक किया यहाँ पे, ये देखिए लेफ्ट पे, ओके ओके ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है कि हमें ऐड करनी है मुख्तलिफ WBS। अब WBS में क्या क्या काम करने हैं मेजर, सबसे काम पहला क्या होगा, फिर क्या होगा, क्या आप लैंड परचेज करेंगे, ठीक है, और उसकी अप्रूवल्स लेंगे और फिर मजीद काम करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारे बड़े बड़े काम क्या हैं, तो हम देखें ये राइट पे बटन दिया हुआ है पहले ऐड का, ठीक है ना, इसको क्लिक करें। अब इसमें कुछ मत लिख दीजिएगा, देखो ये 5.1 खुद ही कह रहा है, इसमें इसमें लिखना है WBS नेम में, ठीक है।
अब क्या जी, पहला काम है जी लैंड परचेज। तो जी हमने लिख दिया एक बड़ा काम, हम लैंड परचेज करेंगे। मेरे पास राइट पे आ रहा होगा ना, क्लिक करा आपने इसके अंदर, ये यहाँ देखें इधर, आप इधर तो देखें, ये क्लिक किया आपने कर दिया। और फिर राइट पे प्लस का साइन नहीं आ रहा, ऐसा कैसे होता है? नहीं नहीं आ रहा होगा, आप दिखाएं मुझे। अपनी तरफ से भाई कोई प्रैक्टिसेस मत कीजिएगा, जो बता रहा हूँ वो कीजिएगा, वरना पूरी विंडो रीइंस्टॉल करानी पड़ जाएगी, बता रहा हूँ। हाँ, प्राइमावेरा जो है फुल बाइनरी पे बना हुआ है, एक एक चीज़ उसकी फाइल्स पे मूव हो रही है। अगर अपनी तरफ से आपने खिलवाड़ किया इसके साथ तो फिर आप खुद उसके ज़िम्मेदार होंगे। इसलिए इसके साथ कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा मत कीजिएगा, जो बता रहा हूँ बस वो करिए। लोग अपना लाइसेंस के चक्कर में, अगर पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, वो सब क्रैश हो जाएगा। आपके सिस्टम पे कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ पासवर्ड, पासवर्ड जो है वो मेरा है, उसका मैक एड्रेस होता है। मैंने कुछ जुगाड़ करके उसको चला रहा हूँ कि स्टूडेंट चला ले। लैंड परचेज लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब दूसरा, अच्छा अब देखिए, एक तो ये कि प्लस साइन आपके पास यहाँ पे राइट पे आ रहा है, आप उससे कर सकते हैं। दूसरा आप राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब राइट क्लिक करके आप ऐड करेंगे तो देखिए उसने चाइल्ड खोल दिया उसका। हाँ। आपको चाइल्ड नहीं चाहिए, आप इसे इंडेंट राइट पे देखिए, इंडेंट आ रहा है, इसको पीछे कर लें। अब लैंड परचेज के बाद दूसरा काम क्या है? अप्रूवल्स, गवर्नमेंट से जो अप्रूवल लेनी है, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट दबा के भी आप ये काम कर सकते हैं, इंसर्ट के बटन से। तीसरा काम, अब क्या काम होगा? अब यहाँ पर होगी साइट मोबिलाइजेशन, बड़ा काम है, ठीक है। फिर क्या काम होगा जनाब? साइडवे के बाद एक्सकवेशन, एक बड़ा काम है, ठीक है। फिर क्या होगा? हाँ, चाइल्ड खोलता है, चाइल्ड ही खुलेगा ये। एक्सकवेशन के बाद क्या होगा जनाब? क्या आपकी हैं? नहीं नहीं, बीम कहाँ से होगी? एक्सकवेशन के बाद जो है वो नीचे आपको बेसमेंट बनानी है ना, पहले तो बेसमेंट 1 और 2 बनेगा, ठीक है। तो हम अब एक्सकेवेशन करने के बाद एक काम कर लिया, अब हम उसमें चले जाएं सब स्ट्रक्चर में, ठीक है। और एक हमारा मेजर काम होगा, वो होगा सुपर स्ट्रक्चर। ये इंसर्ट में कैसे करूं इसको?
इस इंसर्ट का बटन दबाएंगे तो आ जाएगा, क्लिक करें और इंसर्ट का बटन दबाएं, नीचे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, इंसर्ट से ऐड हो जाता है, डिलीट से डिलीट हो जाता है। ठीक है, नहीं आ रहा क्या है? ये राइट पे इंडेंट नहीं आ रहा? अच्छा, इंसर्ट करने से ये इसका और सब सब खुल रहा है ना? हाँ, तो राइट पे ये देखे ना, ये इंडेंट दिया हुआ है ना, ये देखे राइट पे मेरा माउस, देखे ऊपर नीचे करने के लिए, लेफ्ट राइट करने के लिए इंडेंटेशन दी हुई है। इस इंडेंटेशन से वापस लेकर आए उसी लाइन में इसको। अच्छा, ओके। ये कैसे वापस आएगा? ये इसका चाइल्ड लाइक इसका सब ओपन हुआ है लेकिन ये वापस नहीं आ रहा। इस पे क्लिक करें, किस तरह से वापस आएगा? देखिए मैं ऐड करा रहा हूँ, अब मेरे मुझे देखो, हाँ ठीक है, ऐड आपने ऐड किया ना, ये आ गया चाइल्ड, ठीक है, अब ये देखिए एरो आ रहा ठीक है। है, हाँ, इसको पीछे करें, इससे एरो आ रहा है, राइट पे एरो नहीं आ रहा आपके पास? नहीं, ऐसा कैसे सोचता, नहीं आ रहा, मूव आ रहा है, मूव यहाँ देखिए राइट क्लिक करके इस पे देखिए मूव आ रहा है आपके पास, ये चेक बॉक्स ऑन है इसका, ठीक है आ गया, एंड चेक बॉक्स ऑन होगा मूव पे तब आएगा ना ये। अब ये मेरे पास है जनाब फर्निशिंग, मूव नहीं हो रहा, चले मैं देखती हूँ कैसे होगा। ये चेक बॉक्स कैसे ऑन किया आपने? कौन सा चेक बॉक्स? यहाँ पर जो आपने माउस, बताया यहाँ मूव पे वाला, माउस लेके जाए इस वाले कमांड वाले एरिया पे, नीचे ले जाए, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे ओके, तो ये मूव आ रहा होगा, मूव देखें आपके पास आ रहा है साइमा, ये वाला मूव ऑन है, मूव ऑन में इंडेंटिंग आ रही होगी ना, फिर ये इंडेंट आ रहा होगा, देखें यहाँ से राइट इस वाले माउस यहाँ लेके जाए, हाँ ये भी हो सकता है कि साइड पे कट तो नहीं रहा आपके पास, ऐसे करके देखें ऐसे, सही है आ गया समझ, ठीक है तो बाद में कट रहा होता तो आ रहा होता है, फिनिशिंग आ गया आपके पास, और आखिर में एक बार आपने ऐड किया तो ये आ गया आपका फाइनल हैंडिंग ओवर, ठीक है। ये मेजर काम आपके हैं जो हमने यहाँ पे देख लिए। अच्छा, अब सुपर स्ट्रक्चर में मेजर काम इनसाइड क्या क्या होंगे और सब स्ट्रक्चर में इनसाइड क्या होंगे ना, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम मज़ीद इसको एलैबोरेट करेंगे और फिर उसमें एक्टिविटीज़ भी डालेंगे और इसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। अब आप इसको एक दफ़ा फिर ज़रा कर लीजिएगा, उसका ओवरव्यू कर लें, उसका क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है ताकि आप समझ में आ जाए क्या हो रहा है। अभी हम इसको डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं, सब सेव होगा, सब सेव है, कोई मसला